सात सुपर ओवर में जो दो कॉमेडियंस की जोड़ी आ रही है, क्रिकेट की दुनिया में उनका वही मकाम है जो टू डब्ल्यूज का है, वकार और वसीम का। प्राइम टाइम से लेके मॉर्निंग शोज तक हर पिच के ऊपर यादगार इनिंग खेली है। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने खबरनामों को माफी दे दी है। आपकी भरपूर ताली में प्लीज वेलकम बरकत एन उस्मी। बट तुमने तो कहा था कि स्लैब तेज आ रही हैं, ये तो रंगा बिगला बुलवा रही है। ही खैर। सर वैसे इतना क्यूट बादशाह मैंने आशा सलामत। बात ये कि पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं और आपकी टमी भी बढ़ रही है, दोनों का एक ही हल है, आप साइकिल चलाएं। नहीं मेरे इतनी अच्छी सेहत, मैं कहता हूँ आप अपनी एक तंजीम बनाए और तंजीम का नाम रखे मेरा जिस्म मेरी चर्बी। आप कुछ बोल क्यों रहे, म्यूट पे क्यों चले गए? अच्छा आपकी आधी जिंदगी यही सुनते सुनते गुजर गई होगी। यार जरा तेज चला कर यार। अच्छा आपको देख के समझ नहीं आ रहा, मुस्कुरा रही है, आपको अपने पास से कोई स्माइल आ रही है क्या? ये बताए कि ये कामयाब जोड़ी कहां बनी थी, स्कूल में, महल्ले में या पापोश नगर में? सर ये एक चैनल के सीढ़ियों पे बनी है। हैं? यस। हाँ। इत्तफाक है, मैं वहां पर टहल रहा था उस चैनल पे और ये सीढ़ियों से सामने से आ रहे थे, वहां पहली मुलाकात हुई थी और उसके बाद 17 साल से हम लोग साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। खादिर आजाद, आज के सुपर ओवर का वाकई आगाज करते हैं बरकत और उसमें के साथ। आपको कॉमेडी का लक्ष्मीकांत प्यारे लाल कहूं या ताफू ब्रादरान? सर बरकत उज़्मी कह लें क्योंकि फिर दोबारा आईडी बनाना पड़ेगी। और अगर मैं आपको सलीम जावेद कहूं तो आप दोनों शोले और डॉन जैसी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, हम दोनों का कभी जवाल नहीं आया पूछे क्यों क्यों, कभी उरूजी नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है आज के दौर में हर आदमी परेशान है खुश रहने के लिए। आए, 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 आए। तो सर सारे लवाजमात ये कि हालात जो है इस तरह हुए हैं कि हम समझ में नहीं, महंगाई इतनी हो गई सर, अब तो घी भी टेढ़ी उंगली से नहीं निकलता। जनून ग्रुप टूटा, अली असमत गंजा हो गया, यहां तक कि फ्यूजन ग्रुप भी टूट गया, मुत्तहिदा और चौधरी बरादरान भी अलग अलग हो गए। आप दोनों की जोड़ी अभी तक कायम है, ऐ दोवां दे कोल इक दूजे दी ऑडियो वीडियो तो नहीं है? वाह 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 वाह। सर एक चीज है सर, हम दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा। सर एक चीज है जो हम दोनों को अब तक जोड़े हुए रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि कम ताल्लुकात, कम तवक्कात, कम ख्वाहिशात। तो ये चीज जो है मुझे लगता है हम दोनों को अब तक जोड़े हुए रखी है। मुझे बताइए ये जोड़ी को सलामत रखने के लिए किसी पीर ने, मेरा मतलब है किसी पीर से तवीज आगा तो नहीं बनवाया? सर आप ये देखिए, मैंने पाकिस्तान की अक्सर दीवारों पर लिखा हुआ देखा है महबूब आपके कदमों में, कभी ये नहीं लिखा हुआ देखा बीवी आपके कदमों में, पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि बाबा खुश शादीशुदा है। तो सर ऐसे बाबा से क्या तावीज करवाना जो अपने मसले हल नहीं कर पा। और ये बाबा के पास जाकर बाबा कह रहे बाबा ससुराल दूर होना चाहिए नजदीक, बाबा कह रहे एक दूर होना चाहिए एक नजदीक। उसमें कपिल शर्मा का जो कॉमेडी का स्टाइल है वो क्या लाहौर और दिल्ली की तरह है या फिर कराची और महाराष्ट्र की तरह? नहीं सर दोनों ही है, क्योंकि उस मैम आपको एक बात बताऊं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, क्योंकि अमृतसर जो है वो लाहौर से मिला हुआ है, तो सारे यहाँ के ड्रामे देख देख के ही उन्होंने जो है ना वो सीखा, सारे पंजाब के ड्रामे उन्होंने। अमानुल्लाह साहब जब वहां पर गए थे तो उन्होंने शेखर सुमन ने कहा था कि कपिल से कहा था कि आप चारपाई डाल लें इनके कदमों के पास अगर आपने कुछ सीखना है, और उन्होंने कहा कि हमने सारा यहीं से ही अडॉप्ट किया हुआ है और एक्सेप्ट करते हैं। सर वहां सर मैं पहले भी कह चुका हूँ वहां कॉमेडियंस जो है अब जाके ऐसा, वहां कॉमेडियंस पिलर है, यहाँ कॉमेडियंस फिलर है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब यहाँ भी पिलर्स होते जा रहे हैं आपकी बदौलत, आपके ये प्रोग्राम की बदौलत इस तरह के, तो कॉमेडियंस को खुल के परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। सर नहीं नहीं हमारे पास बहुत बड़ा पिलर है।
सर कैरेक्टर अपनी जगह, उस्ताद अपनी जगह। भाई रूहानी उस्ताद तो है, हमने साथ काम नहीं किया, लेकिन हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम यहाँ पर बैठे और मजे की बात है, इनका हमने बहुत काम बेचा है आपस की बात। सर आप कुछ कह रहे थे, थैंक यू वेरी मच आप बहुत अच्छे, प्लीज तशरीफ रखिए ना सर, एक बात कहने थे प्लीज। हाँ जी प्लीज जी, कही आप क्या कह रहे थे जल्दी से। नहीं वो मैंने कह दिया, मैंने कहा रेवेन्यू नहीं मांगेगा इसका। हाँ हमारी ऑनर की बात है कि हमारे उस्ताद, हम बैठे हैं गेस्ट और एंट्री कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है। कोई बात नहीं, पता है ये जो पंच लाइनें होती हैं ना, ये अलग इरादे होती हैं, कोई भी कर सकता है। हेलो बट हाय नरम जौहर जी, कैसे हैं आप? बड़ी आज डिस्कुम डिस्कुम एंट्री मारी है। मैं तो बहुत अच्छा हूं बट, लेकिन तुम बहुत बुरे हो है? ना मैंने पार्टी रखी, तुम क्यों नहीं आए? पता कितना कुछ था उस पार्टी के अंदर? क्या? बड़े पाए थे, बड़ी ओजड़ी थी, बड़ी कलेजी थी, तुम नहीं थे। आज इतने पप्पू गेस्ट तुमने बुलाए ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरा तो दिल करता है कि मैं ना दोस्ताना टू का ऐलान कर दूं। दोस्ताना रहने दें, आप यूं करें स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 का ऐलान कर दें और दोस्ताना टू रहने ही दें, क्योंकि काफी लोग हम पे शक करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत साथ रहते हैं। और ये स्टूडेंट की आपने बात की ना सर, मैं कहता हूँ बंदे को इतना भी पढ़ा लिखा तालीमी याफ्ता नहीं होना चाहिए कि सामने कुत्ता आ जाए और आप हुश हुश की बजाय कह रहे एक्सक्यूज मी, बरकत उसमें। यहाँ पर देखो ना, वेटरन शो में नुमान एजाज के साथ बैठ के ट्रेजेडी करते रहते हो, मेरे साथ बॉलीवुड चलो, तो मैं आलिया भट्ट और दिशा पाटनी के साथ लेकर ना कोठे टपरी बनाऊंगा। ओ यार खुदा का खौफ का है, नुमान एजाज हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार है। ये नुमान वही है ना, बड़ी बड़ी मूछों वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, ये हाइट मेरा सुल्तान। आई लव हिम। जी जी बड़े माशाल्लाह हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है। ये वही एक्टर है ना जिसने अपना एक वेटरन एक्ट्रेस के शो में बैठ के कहा था मैं तो बेगम नहीं पता लगन देंदा। अबे इतने बड़े स्टार हैं, वो स्टार्स के साथ ऐसे छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं, छोड़ दो इस बात को यार। नहीं मैं बात तो छोड़ दूंगा, नुमान को नहीं छोड़ूंगा। But I love such kind of guys. शाहरुख खान भी कहां पता लगने देता है गौरी को। You know, इस मामले में अक्षय कुमार शाहरुख से भी दो हाथ आगे। ओ भाई खुदा का से, क्या ऑडियो वीडियो लीक करने पे आ गए आप? मैं तो लाइव लीक करने के चक्कर में हूँ। रवीना करिश्मा रेखा और शिल्पा अक्षय के इन सब के साथ बड़े अफेयर्स मशहूर हैं, लेकिन शाहरुख का आज तक किसी के साथ स्कैंडल फेमस नहीं हुआ। बस करो बट, तुम्हारे पास वो अखबार आती जिसमें समोसे होते हैं। बट आज साबित हो गया तुम्हारा हाजमा ही नहीं, तुम्हारा हाफजा भी कमजोर है। जब फरहान अख्तर डॉन का रीमेक बना रहा था ना, उस वक्त प्रियंका और शाहरुख का ना अफेयर शुरू हो गया था, लेकिन वो टेस्ट मैच की तरह वही ड्रॉ हो गया। वैसे मैंने हिसाब लगाया कि औरतों की तरह ना आपको भी गॉसिप में बड़ी दिलचस्पी है। कोल्ड ड्रिंक को फूंक मार के पीने वाले भट्ट। तुम्हारा क्या मतलब है मैं किटी पार्टी जो है वो लूडो खेलने के लिए रखता हूँ? नुमान एजाज और शाहरुख खान क्या कारीगर होंगे, इस काम के पीर कारीगर हम हैं। दर्जनों भर मुआशकते हमारे, लेकिन जोधा बाई को कभी भिनक नहीं पड़ने दी। और तो कैसे पड़ती, मुंह काला होता तो वो पहचान ही नहीं सकती थी। हद है रब।